सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड पे और मैं हूं आपका दोस्त शिवांश भसीन। तो आज हम बात करेंगे कि निफ्टी का आउटलुक कैसा है। अब हम जान सकते हैं कि इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन के टाइम पे या उससे पहले उसके बाद निफ्टी का आउटलुक कैसा रह सकता है, मार्केट का आउटलुक कैसा रह सकता है। अगर हम मार्केट के आउटलुक की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इस वीडियो में एक खास बात और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानते हैं, जिन्हें चार्ट्स रीड करना आता है, वो सब कुछ जानते हैं चार्ट्स के बारे में या टेक्निकल के बारे में, तो वो लोग ज़्यादातर सिर्फ ये पता लगा सकते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ है, सपोर्ट कहाँ है, कहाँ शॉर्ट करना है, कहाँ सेल करना है, कहाँ बाय करना है। तो गाइज, ये ज़्यादातर डिस्क्राइब नहीं कर सकता चार्ट्स, क्योंकि चार्ट्स अब कोई अगर कोई बैड न्यूज़ आती है तो वो चार्ट डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि अब हम एक मोमेंटम ऊपर हाई लेवल पे चल रहे हैं बाज़ार के, एक बैड न्यूज़ आती है वहाँ से हम एक करेक्शन लेते हैं, तो वो चार्ट्स नहीं बताता कि अब हमें एक करेक्शन लेने वाले हैं। वो क्या बताता है, वो बताता है इकोनॉमी फैक्टर। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट का आगे का आउटलुक कैसा रह सकता है, और इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन से पहले हम बहुत अर्न कर सकते हैं। हम आप समझ लीजिए कि आप इंडेक्स से ही इतना अर्न कर लेंगे कि आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाके इंट्राडे के अंदर होल्ड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, ये वीडियो मैं तभी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और अगर लंबी होगी तो मैं आपके लिए इसमें पार्ट्स में वीडियोस लेकर आ कराऊंगा। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जिसकी वजह से मार्केट डेराइव होगी और मार्केट का आउटलुक रहेगा। तो अगर मैं आपको कुछ स्पेसिफिक बताऊं कि आपको मैं किसके बारे में बताऊंगा, तो क्रूड ऑयल की वजह से क्या मार्केट में आने वाले टाइम पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे, उस पर एक पैटर्न डिस्क्राइब हुआ है, एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो वो पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो वो हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है, निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यूएस में एक जो प्रॉब्लम चल रही है, वो प्रॉब्लम अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि यूएस एक डेट कंट्री बनती जा रही है, डेट कंट्री हो रही है वो एक यूएस, उसके बारे में भी हम पूरी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे और आपको समझाएंगे कि उससे हमारी मार्केट में फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और वो बाय साइड में होगा या सेल साइड में होगा। अगर हम बात करते हैं तो हमें पता, हम आप सब देख रहे होंगे कि कुछ टाइम पहले जब मार्केट ने एक बॉटम बनाया था, वहाँ से हमने एक बहुत अच्छी शार्प मूव आते भी देखी, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स ही चल रहे थे जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेकर जा रहे थे। तो गाइस, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, वो ऐसा एक्चुअली हो क्यों रहा था, क्यों मार्केट वहाँ से ऊपर गई है, क्या रीज़न था मार्केट को ऊपर जाने की वजह से, और अब ये जो ट्रेड टैरिफ आया है और इंडिया ने भी उसे ज्वाइन करा है, तो उसमें क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं इस वीडियो में आपको आखिरी में बताने वाला हूँ, जो इस पूरे मार्केट को चला रही है, जो हमें भी नहीं पता पर हमें आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सी रिसर्च करी है और यहाँ मुझे पता चल गया है कि मार्केट को चला कौन रहा है एक्चुअली। आपको मैं एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि आज सब लोग देखते होंगे या मनी कंट्रोल में जाते होंगे या जब कोई न्यूज़ चैनल में सुनते होंगे कि FIIs सेलिंग कर रहे हैं, FIIs सेलिंग कर रहे हैं, वो आपको पूरी बात नहीं बताते कि FIIs सेलिंग भी कर रहे हैं पर साथ में बाइंग भी कर रहे हैं। वो क्या सेल कर रहे हैं, क्या बाय कर रहे हैं, तो वो पूरी एक इन्फॉर्मेशन है। वो अभी मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर एक तरीके से करवाया, वो रजिस्टर आप वैसा मत समझिए, वहाँ से अगर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ते हैं, कोई रिपोर्ट मंगवानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें कुछ मेंबरशिप लेनी पड़ती है या कुछ हमें देना पड़ता है अमाउंट, जो कि 18,000 rupees ईयरली होता है। वहाँ से हम कोई भी रिपोर्ट मंगवा सकते हैं कोई स्पेसिफिक कंपनी FIIs की, तो वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है। तो वो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, वो भी उसको डॉक्यूमेंट्स को आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाएगा। तो अभी मैं आपको सिर्फ मोटा मोटा बता दूंगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली में, और क्या हो क्या रहा है FIIs की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 6-7 पॉइंट्स, वो सारे 6-7 पॉइंट्स को मिला के हम एक कॉन्क्लूजन में आएंगे और पता लगाएंगे कि यहाँ से हाई बन के यहाँ से मार्केट गिरेगा या यहाँ से बॉटम बन के वहाँ से उसकी तरफ हाई बनाएगा। तो पूरा आप समझ लीजिए 1:10 का रेशियो होगा, और 1 आपका जो होगा वो रिस्क होगा और 10 जो आपका होगा वो प्रॉफिट होगा। अब आप ये भी समझ सकते हैं 0:10 का आप समझ सकते हैं सिर्फ आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होना होगा सिर्फ इंडेक्स के अंदर अंदर ही। तो अगर मैं आपको बताऊँ भाई, सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ चार्ट देखने में अपना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं बनाना चाहिए, आपको मार्केट
की इकोनॉमी के डेप्थ के अंदर जाना चाहिए, आपको इकोनॉमी के डेप्थ को समझना चाहिए। अब क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि HPCL क्यों गिर जाता है, BPCL क्यों गिर जाता है, और हम समझ सकते हैं ऑयल इंडिया क्यों बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझनी चाहिए, जिससे हम मार्केट में जब घुसे और ये कुछ ऐसा न्यूज आ जाए तो हम पता लगा के कि हमें ये रिएक्शन देना है या हमें मार्केट में अब ये रिएक्ट करना है। तो गाइज यही सारी चीज़ों से मैं आप लोगों को कॉल्स देता था, और जब मैं पूरी मार्केट की स्टडी करता हूँ तो ही आपको मैं कॉल्स देता हूँ। आपको कॉल्स देने से पहले मैं पूरी मार्केट को समझता हूँ कि आज पूरे दिन में मार्केट में क्या हुआ। मैं ए टू जेड जितने भी मिनट्स में न्यूज़ अपडेट होती है कोई भी पर्टिकुलर न्यूज़ पेपर में, वो एक ऐप है, वो भी ऐप मैं आपके साथ इस वीडियो के आखिरी में शेयर करूँगा। उस ऐप के जरिए मैं सारे न्यूज़ डेली रूटीन्स में पढ़ता हूँ जो मार्केट के लिए बहुत अच्छी है और आपको बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकती है। अब हमें पता होता है कि कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो हम पढ़ने तो जाते हैं पर हमें समझ नहीं आता ये है क्या, पर वो मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो गाइज वही हम करेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हम सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप पर्टिकुलर डिस्कशन मेरे साथ लेकर आइए, टॉपिक्स लेकर आइए, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम समझेंगे कि इकोनॉमी में चल क्या रहा है, जिससे हम जब एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बने तो हम जब भी कोई हमसे कुछ पूछे कि ये क्या है वो क्या है, मार्केट ऐसी क्यों चल रही है, तो हम एक ट्रेडर होते हुए या हम अगर टेक्निकल के बारे में जानते हैं तो उसके अलावा भी हम बहुत कुछ बता सकें। तो गाइज मैंने आपको भी बहुत कुछ समझा दिया होगा, तो अब मैं बढ़ता हूँ, ये वीडियो बहुत लंबी होती रहेंगी तो मैं आपको स्पेसिफिकली समझा पार्ट्स के टाइम में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। पार्ट्स में सबसे पहले जो पार्ट आने वाला है वो क्रूड ऑयल का प्राइस पार्ट आने वाला है। अभी जो रीसेंट जो ओपेक ने सप्लाई इंक्रीज करी है उससे हमारी मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है तो हमें वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर गाइज ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सी अंदर स्पेसिफिक डिटेल्स में मैं गया हूँ और मुझे पता चली है कि ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो हमारी मार्केट को आने वाले टाइम में एक बहुत सी खतरनाक गिरावट में लेकर यह जा सकती है। तो वो पूरी आपको न्यूज़ पढ़नी चाहिए, मैं आपको डिटेल्स में पूरी चीज़ें समझाऊंगा, और अगर मेरे से कुछ छूट जाता है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपको कुछ पता होगा कुछ हमें पता होगा, अगर हम उसे कोरिलेट करेंगे एक साथ मिलाएंगे तो हम एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर बन सकते हैं। तो गाइज इसी वीडियो को मैं अभी खत्म कर रहा हूँ, मेरा पार्ट वन आने वाला है जिसमें मैं आपको सबसे पहले क्रूड ऑयल के बारे में बताऊंगा और आखिरी में कॉन्क्लूजन में आएंगे, और वहां पर मैं आपको एक अपने ऐप के बारे में बताऊंगा जिस ऐप के थ्रू आप सारे न्यूज़पेपर्स को एक ही टाइम में रीड कर सकते हैं, और वो भी स्पेसिफिकली फाइनेंस सेक्टर या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। तो उस पूरी न्यूज़ के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे, और अभी आपको सबसे नीचे वीडियो में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको आप क्लिक करके बेल आइकन साथ में होगा उसे दबा दीजिएगा। आपको उसके लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, उससे होगा ये कि जो भी मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को सबसे पहले देख लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, जितने ज़्यादा लाइक्स आएंगे मैं समझ जाऊँगा कि लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मेरे आगे पार्ट्स की वीडियो जो आने वाली है उन पे। तो गाइस जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एक लाइक बटन तो बनाना बनता ही है, एक लाइक बटन आप दबा दीजिए, आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एक लाइक बटन को स्नैच करने में। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट आगे कैसे डराइव हो सकती है। तो इस पूरी सीरीज के साथ बने रहिएगा मेरे साथ, मैं आपको ए टू जेड समझाऊंगा क्या होने वाला है मार्केट के साथ, जिससे आप एक मार्केट में शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट लेके निकल जाए। गाइज अभी ओपेक की मीटिंग आई और एक्सपायरी होने वाली है तो जुलाई से पहले ये हम पूरी सीरीज को निपटा देंगे, और तब हम जब जुलाई में ट्रेड लेंगे तो गाइज हमें पता होगा कि हमें क्या ट्रेड लेना है और पूरे साल मार्केट कैसे चलेगी। तो गाइज बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ इंट्राडे गाइड के साथ, सब्सक्राइब करना और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे वो भी इकोनॉमी के बारे में, मार्केट इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में समझ सके कि मार्केट में कैसे रिएक्शन आता है और क्या FII कर रहे हैं जो हमें नहीं पता और वो कुछ खतरनाक कर रहे हैं, वो पूरी डिटेल मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। तो गाइस मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।